थोड़ा सा इंडिया वीक्स को समझे, अगर समझने का मूड हो तो समझ में आएगा बाजार किधर जाने वाला है। देखो पहले तो वीक्स को समझो, वीक्स होता क्या है। इंडिया वीक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ इंडिया, राइट। ये क्या बताता है, इसको हम पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगा 2005-2008 के, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 2008 में विक्स था 90%, पर ध्यान से समझना, 2008 में विक्स था 90, क्लियर है। बाजार गिरा, वहां से गिर के कितना आया बाजार, आपको याद है 2008 में मार्केट क्या थी, निफ्टी 7 लगाते हैं, इससे अच्छी लर्निंग नहीं मिलेगी, पैसा तो बाजार रोज बना के देगा। देखो नीचे निफ्टी है, ऊपर विक्स है, ठीक है, तो निफ्टी को भी हम 2008 तक लेके आते हैं, समझना बड़े ध्यान से, ऐसी लर्निंग आपको नहीं मिलेगी, बता रहा हूँ। ये नवंबर 2008, अक्टूबर 2008 में इसे पहली बार टच किया था, अक्टूबर में, लाइन मार्क करो, समझो 2008 में अक्टूबर में लाइन को काला कर देते हैं, काला शाह काला, जनवरी 2008, अक्टूबर, ये अक्टूबर। देखो बड़े ध्यान से समझना, विक्स और निफ्टी का इन्वर्स रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं। विक्स क्या बताता है पहले वो समझते हैं, विक्स हमें बताएगा कि बाजार उस पूरे साल में कितना वोलेटाइल हो सकता है, मतलब वो कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है। अगर विक्स 90 है, 93 है, तो मतलब पूरे अगले 12 महीने में बाजार उस पूरे साल में 90% गिर सकता है या 90% बढ़ सकता है। और विक्स कभी भी डायरेक्शनल नहीं होता, विक्स कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि वो नीचे ही आएगा बाजार या ऊपर ही आएगा। अब यहाँ पे जब विक्स 90 होता है, विक्स के बॉटम क्या होते हैं, विक्स के बॉटम होते हैं 8, 9, 10, 11, बस ये विक्स के बॉटम होते हैं, समझो 8 से नीचे जाता नहीं है, 9-10 के आसपास रेंज रहता है। ऊपर की जो रेजिस्टेंस जोन होती है विक्स की, वो होती है 27-28 के आसपास की, पर वो टॉप आउट करना स्टार्ट कर देता है, उसके ऊपर विक्स जब भी रहेगा वो डेंजरस है। तो अब जब 2008 में अक्टूबर में विक्स 93 टच हुआ, तो क्या वहां से आपको क्या लगता था बाजार वहां से और डबल हो जाएगा? निफ्टी अपने टॉप पे थी कितने पे, 6000 पे, बड़ा ध्यान से समझना, निफ्टी 6000 के ऊपर थी, तो क्या बाजार वहां से 6 का 6 12 हो जाएगा? लॉन्ग टर्म में हुआ, पर क्या उस साल में उस 12 महीने में तो ये पॉसिबिलिटी थी कि यहां से वो 90% फॉल कर सकता है, मतलब बड़ा स्कैरी फॉल एक्सपेक्टेड था। अक्टूबर में ये पोजीशन बनी थी, फॉल आया था जनवरी में, लोग बुलिश, हर तरफ यही चर्चा थी, बाजार शानदार है, आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं? याद है किसी को वो टाइम, कोई था उस बाजार में शहीद होने वाला, कौन कौन था? तो मतलब निफ्टी 2008 है सर, निफ्टी में अक्टूबर 2007, ओके, ये भाई 2007 अक्टूबर मार्क किया ना दोस्त, ठीक है, मैं गलत मार्क नहीं किया मैंने, अक्टूबर 2007 थी, जनवरी 2008 थी, सही मार्क किया, कुछ गलत मार्क नहीं किया मैंने, राइट। अब यहाँ पे बाजार वहां से डबल तो होना नहीं था, हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक बैठे हुए थे, बड़े बड़े आईपीओज आ रहे थे, 2008 में रिलायंस पावर का इतना बड़ा आईपीओ आया था, राइट, दुनिया भर का पैसा आईपीओज में आया, आईपीओज की बाढ़ आ गई थी। यहां से बाजार विक्स ने गिरना स्टार्ट किया, पर विक्स ने नहीं, निफ्टी गिरी 6300 के आसपास का, 6400 का ही लगाया, निफ्टी ने फॉल आया 2250 का, कितने पॉइंट निफ्टी गिरी आप देखोगे, 6400 में से ध्यान से समझना 6400 निफ्टी रह गई 2400, 4000 पॉइंट निफ्टी गिरी, 4000 पॉइंट गिरी का किससे, कितना फॉल था, 62.7% ये फॉल था, फिबोनाची नंबर है भी 0.618 फॉल आया, 60-70% निफ्टी फॉल हो गई, 90% फॉल नहीं हुई, वहां से निफ्टी फॉल हो गई, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फॉल कब आया, बड़ा स्केरी फॉल, फॉल तो बहुत सारे, जाके आपने होमवर्क कर लेना, 6300 से वापस निफ्टी 4500 आई, फिर 2000 पॉइंट का फॉल यहाँ आया था 2011 में, मैं बड़े फॉल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आया आपका मार्च 2020, विक्स कहाँ था, विक्स वॉज 85, देखो यहाँ पे बाजार का विक्स उस टाइम पे 88 चल रहा था मार्च 2020 में। हम दोष देते हैं कोविड आ गया, अरे लोग लालच से भरे हुए थे भाई, देखो लालच से भरे हुए थे,
मैंने एक टाइम पे ये कहना शुरू कर दिया था कि विक्स 29 हो गया है, स्कैरी है, 30 है स्कैरी है, 36 है स्कैरी है, विक्स तो रुक ही नहीं रहा था, 60 है स्कैरी, लोग मुझे ट्रोल करने लगे थे, क्या बोल रहा है स्कैरी है स्कैरी स्कैरी, फॉल आने से पहले बोलना स्टार्ट कर दिया था, निकल जाओ, मैंने सब बेच दिया था, मेरे पास रिलायंस, HDFC, बड़े बड़े बैंक्स पड़े थे, हिंदुस्तान लीवर में पूरा पैसा डाला था, हेमंत भाई को मालूम है, सारा माल बेचा था उस टाइम पे मैंने, फॉल से पहले, कंप्लीट फॉल से पहले। इस फॉल ने बहुत पैसा बना के दिया मेरे को, उतना नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव था, मैं आप लोगों को बताने में बड़ा खुश होता था, ले लो बॉटम बन गया, खुद कुछ नहीं उठाया, बहुत बड़ी गलती हुई, सिर्फ इतना सा माल उठाया था मैंने, वो बहुत अच्छा पैसा बना, पर अगर मैंने पूरा कैपिटल उस टाइम पे डाल दिया होता तो मैं बादशाह होता बाजार का, आप समझो। मूव किसी से मिस हो सकती है, पर क्या अब हम मूव से मिस होने को तैयार हैं क्या? नहीं। यहां से भी बाजार 2020 में भैया आप कहां थे देखना जरा एक बार, ये थे 2020 में 12,000 पे थे आप, विक्स क्या कह रहा था, अब विक्स का चार्ट और ये देखो, ये उल्टा लगाते थे, ठीक है, ये एग्जैक्ट पॉइंट था, यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट विक्स था 88 और निफ्टी थी 12,000, तो क्या 80% फॉल आ सकता था, 12,000 की निफ्टी थी, उसका 80% कितना होता है, क्या 10,000 पॉइंट का फॉल आ सकता था, 2000 मतलब वापस 2008 के लेवल पे निफ्टी आ सकती थी, नहीं गई, कहाँ तक आई, 7,500, 12,000 से 7,500, 4,500 का फॉल आया, तो मोटा मोटा 4,500 का फॉल डिवाइड बाय 12,000 की निफ्टी से कितना पॉइंट का फॉल आया, 37.5 फिबोनाची लेवल है भाई, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो बाजार अब क्या कर रहा है, बाजार तो बॉटम पे है ना, अब निफ्टी देखो, अब लोगों को डर कहाँ लगेगा, डर ये लगेगा विक्स है 8 से 11 पे और निफ्टी है ऑल टाइम हाई पे, अब बताओ क्या करोगे, डिसीजन लो, बाजार यहाँ पूरे साल कितना गिर सकता है, अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा, 12% पूरे साल में, 18,500 की निफ्टी पे बैठे हो आप, 18,570 का 12% लगा लो, 12% 2200 पॉइंट, तो 18,500 प्लस 2200 ये निफ्टी का टारगेट है 21,000, या 18,500 माइनस 2200 16,300 यहाँ तक निफ्टी फॉल कर सकता है। ये विक्स का कंपैरिजन है, ये विक्स का कैलकुलेशन है, विक्स का मैसेज है, बाजार यहाँ तक गिर सकता है, 16,300 तक गिर सकता है पूरे साल में और 21,000 को हाई टच कर सकता है। अब ये आपको समझना है कि आपका प्राइस एक्शन, आपके डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, विक्स जिस लेवल पे है यहाँ से बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो अक्सर अगर आप देखेंगे तो जब जब विक्स किसी भी पॉइंट पे देखें तो ये पॉइंट के ऊपर में सितंबर 2021 को चेक करते हैं, 8 सितंबर 2021, तो 8 सितंबर 2021 यहाँ पे निफ्टी थी 17,122, 17,000 से निफ्टी बढ़ के कितना ही मारा, 18,500, विक्स कितना था 8, समझना ध्यान से, निफ्टी थी 17,000, तो 17,000 की निफ्टी का 8% लगाओ 1360, 17,000 प्लस 1360 18,360, निफ्टी ने हाई कितना मारा 18,900 के आसपास में, समझ में आया गेम, ये कैलकुलेशन कहीं नहीं मिलेंगी, बाजार कहीं नहीं गया, बाजार वहीं का वहीं, इतनी अच्छी लर्निंग आपको दे दी मैंने जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि मज़ा आया, अगर लर्निंग वैल्यूएबल लगी तो। तो यहाँ से बाजार आपके ऊपर जाने का टारगेट 21,000, नीचे जाने का टारगेट 16,500।